पर फोर नंबर देखते हैं। बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं। ये जो बहुपद आप देख रहे हैं इसमें बहुपद में अगर -1 रख दें एक्स बराबर -1 तो बहुपद का मान देखिए क्या हो जाएगा। -1 का क्यूब प्लस 13 गुना में -1 और प्लस में 32 गुना -1 और प्लस का 20। देखिए क्या हो जाएगा, -1 -13 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस स्क्वायर है ना, तो प्लस का 13 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 20। तो इसको इसको देखिए माइनस का 33 और ये इन दोनों ऐड होगा तो प्लस का 33 जीरो आ जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक्स प्लस वन जो है बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हमें से एक यहाँ पे गुणनखंड है ऐसा मिल गया। अब इस बहुपद में दिए हुए बहुपद से भाग करते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स प्लस वन से भाग कर देना हमें एक्स क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस के 20 में एक्स स्क्वायर बार में ले जाते हैं। एक्स का क्यूब प्लस का एक्स का स्क्वायर, साइन चेंज माइनस माइनस से कट जाएगा, 12x² प्लस का 32x प्लस का 20। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, प्लस का 12x² में तो गुना होगा 12x² और प्लस का 12x, साइन चेंज कर देते हैं माइनस माइनस से कट जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 20x और प्लस का 20, तो प्लस का 20 बार में ले जाते हैं तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20x और प्लस का 20, साइन चेंज कर देते हैं कैंसिल से पल जीरो आ गया। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर यानी एक्स क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस 20 बराबर भाजक यानी एक्स प्लस वन गुना में भागफल यानी x² प्लस का 12x प्लस का 20 और प्लस का शेषफल जीरो। अब इसके बाद देखिए x प्लस वन इंटू में देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो x² प्लस का 10x प्लस का 2x और प्लस का 20। चलिए अब इसके बाद दो दो में यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, सॉरी चलिए अब इसको देखते हैं, x प्लस वन इंटू में यहाँ x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 10 बच जाएगा और यहाँ पे 2 कॉमन करते हैं x प्लस का 10 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है। आगे यहाँ पे x प्लस वन इंटू में x प्लस टू इंटू में x प्लस 10, ये हमने गुणनखंड करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5।